वो पहले वाला जो छवि तस्वीर देख रहे ना, वह लिखा हुआ है भजन कुटीर में गोरीदास पंडित, वो विषम ले रहा है उधर गोरीदास पंडित। दूसरा में है क्या, भजन कुटीर यही दूसरा है हरी नदी पार है अम्बिका नगर में आगमन। हरी नदी मतलब जो गंगा है ना, जो गंगा भगवती गंगा बोलता है, और नदी में नाव चला के प्रभु इधर आए थे, वो जो नाव चला रहा है ना प्रभु, नाव चला कर इधर बोल रहे हैं वासुदेव घोष महाप्रभु गोरीदास पंडित, तीनों प्रभु एक साथ साक्षात हुआ था। ठीक है, गोरीदास पंडित जी से गौर निताई मिलने आए थे, मिलने ये चप्पू चला के ये नाम से। और वो वाला गोरीदास पंडित के बैठा दान, बैठा मतलब क्या होता है, ये नाव का जो बैठा होता है ना, हाँ चप्पू उसको बोलता है बैठा। और देखो बैठा दान कर रहा है ये प्रभु जी, बैठा दान कर रहा है प्रभु। ठीक है, चंपक फूल का माला प्रदान, चंपक फूल फूलों का माला दे रहा है इधर प्रभु जी का। ठीक है, देख रहा है पंडित सहित मिलन, पंडित को बहुत अच्छा लग रहा है, गले में लाकर मिलन कर रहा है प्रभु, तीनों प्रभु एक आरवा गौरीदास पंडित, गौरीदास पंडित गौरा निताई प्रभु राधा बाब, जो भजन करने से जो रोना आता है ना वही कर रहा है इधर। अच्छा, ठीक है राधा बाब। अच्छा अच्छा, सूर्य ध्वनि से राधा दर्शन, जो गान जब गान कर रहे थे ना सब राधा का देख रहे हो, ये राधा जी आ गए तो उधर। ठीक है, ओ बासंगन गीता दान, गीता मतलब मालूम है तो गीता दान करे श्रीनिवास अंगन गीता दान। और वो छवि वाला लिखा नहीं हुआ है, फिर उधर चला जाओ उधर, उधर वो बना रहे हैं ना उनसे लकड़ी। ये गौरीदास पंडित जी जो हैं उन्होंने जाने नहीं दिया गौर निताई को, तो गौर निताई ने जो ये वृक्ष है ना, ये वृक्ष ये वाला ये इमली का वृक्ष जो है, इस वृक्ष से उन्होंने गौर निताई के खुद ही अपने विग्रह बनाए, ये विग्रह बनाए इसमें गौर निताई। ठीक अब वो उन्होंने कहा आप ये विग्रह रख लो और हम दोनों को जाने लो। ये क्या लिखा नीचे पढ़ के बताओ, इतना बोला ये गोरीदास पंडित चारों प्रभु एक संग, निताय गौर नित्यानंद महाप्रभु चारों प्रभु एक संग, वो भी बोलते थे चल रहे थे, अब पैर में लग जाएगा माता में। और चारों को खाना खिला रहा है, ये चारों प्रभु एक साथ खाना खिला रहा है, ये देखो। और चारों प्रभु को विश्राम ले रहा है, सेवा मतलब क्या, सेवा मतलब जो गोर है ना तो पाओ दबा रहा है वो। दुई प्रभु निर्णय, वो जो क्रोध बोलता है ना, कोई गलत बात किया था, ए तुम चुप रहो ज्यादा मत बोलो, क्रोध प्रभु का क्रोध निर्णय। ठीक है, ये बोलो वो, हाँ वो ऐसा हुआ था ना, वो कह रहे थे कि मैं जाने नहीं दूंगा, तो उन्होंने कहा कोई दो रख लो, आप कोई दो रख लो और बाकी दो जाने दो। तो उस एक टाइम पे सारे चारों एक साथ थे, लीला कर रहे थे। वो लेगा दो प्रभु का नित्य, दो प्रभु नाच रहा है ऐसे भजन कर, भजन में नित्य कर रही वो प्रभु, दो प्रभु सेवा करो और अनुरोध, ये प्रभु जी आप मेरे पास में आए कुछ खा लो कुछ पी लो, यही बोल रहा है ये। कुठीर में आए थे प्रभु, बोले कुछ खा लो कुछ सेवा कर लो, 36 रकम व्यंजन बनने सेवा, मैंने 36 जो खाना होता है वेजिटेरियन, वो जो प्रभु 36 वेजिटेरियन खाना है उसको दिया था। ठीक है प्रभु जी के, असल में ये ना विग्रह बन गए थे ना जब वो चले गए थे, तो वो विग्रह को कह रहे हैं कि अब खाओ अब खाओ आप जो जैसे पहले खा रहे थे। अच्छा, ये बोले पंडित शिक्षा दान, शिक्षा शिष्य दान, शिष्य दान शिष्य मतलब समझ में आया, शिष्य समझ गए। ये बाद में गौरीदास पंडित जी ने फिर जो हृदय चैतन्य बाबा को शिष्य बना दिया था, हृदय नंदन के दीक्षा दे रहा है ब्राह्मण निमंत्रण का दाई है, वैष्णव निमंत्रण। ठीक है, हृदय नंदन के तिरस्कार, वो बोल रहा है चुप रहो ऐसे बोल रहा है हृदय नंदन के तिरस्कार। ठीक है, सोचती आते पंडित धब मान, सोचती आते मतलब सोचती मतलब क्या हुआ अंकल, लाठी वो पैर का लाठी बोलता है ना, वही लाठी दे रहा है वैष्णव संगे नित्य हृदय नंद चैतन्य दीक्ष गौरीदान नित्य सबाई नित्य उद्यम नित्य नीताय गौर हरे कृष्ण नाच रहा है सब प्रभु एक साथ। ठीक है, बोलो नीताय गौर प्रेमानंद हरि बोल, नीताय गौर हरि बोल। ये जो हृदय चैतन्य दास हैं, ये हृदय चैतन्य दास इनके शिष्य हैं गौरीदास पंडित जी के, और हृदय चैतन्य के शिष्य हैं श्यामानंद जी। तो जो श्यामानंद जी की जो परंपरा आई है वो इन्हीं से। अच्छा, श्यामानंद पंडित हृदय चैतन्य दास जी का
ये सब एक साथ अब सारे वो कर रहे हैं ना, कीर्तन कर रहे हैं, साथ बना रहे हैं फेस्टिवल। तो यहाँ पर हृदय चैतन्य दास जी का इस लीला यहाँ की समाधि से मतलब इस स्थान से क्या वो है, ये लकड़ी क्यों लेकर भागे, डंडा क्यों लेके भागे, ये चप्पू है, ये वही चप्पू है जो लेके प्रवेश कर गए थे ना जब हरिदास पंडित मारने भागे थे। नहीं वही तभी तो किनको मारने भागे थे, हृदय चैतन्य अच्छा मारने भागे थे, ये डंडा मार रहे हैं किसी को, यहाँ पे रहते थे वो भी नहीं, वो लीला बताओ ना, वो लीला तो बताओ, रहते तो उनके साथ ही थे ना, उनके शिष्य ही थे तो वो सेवा करते थे। तो एक दिन ऐसे था कि गौरीदाई नहीं थे, तो वो गौरीदास पंडित जी ने वो हृदय चैतन्य से पूछा कि वो कहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, तो वो उनके पीछे डंडा लेके भागे थे कि तू छोड़ के क्यों गया। अच्छा तो वो भागते भागते फिर वो जब वो यहाँ पे कीर्तन हो रहा था तो उनके हृदय में प्रवेश कर गए थे, तो उसके बाद फिर उत्सव हुआ था। जहाँ जाता हूँ वो वहीं चले जाते हैं, फिर वहीं नृत्य कर रहे हैं मेरे हृदय से निकल के, फिर मेरे हृदय में आ गए, फिर मैं वहाँ जाऊंगा, वहाँ फिर ड्यूटीज बन के आ जाएंगे, इसीलिए उनका नाम हृदय चैतन्य दास हो गया। अच्छा जी, जय हो बहन जी।